अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 7 फरवरी 2020 को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं, वे अपना आंसर की का मिलान करते जाए, पूरी तरह से सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सही आंसर दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र सेट कोड जो है ऐप है, आपका कोई भी कोड रहे सबका क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। आप लोग अपने नंबर के अनुसार ऑब्जेक्टिव को मिलाएंगे। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स का मान होगा। देखिए ये कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, इनका फॉर्मूला वो होता है लॉग मोड 10x/2 प्लस के होता है। तो एक का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, ये फॉर्मूला ही होता है। अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर व्हाट। यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद टेन इनवर्स 2 आता है, तो ये इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा टेन इनवर्स 2। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। चार ऑप्शन है 10π 12π 8π 11π। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं और इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी 12π। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 4, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है कि अपर लिमिट 4 है, नहीं अपर लिमिट 9 है और लोअर लिमिट 4 है। ऑब्जेक्टिव नंबर ये 4 है। अब देखिए रूट ओवर एक्स डी एक्स, तो इनका मान जो होगा आपको यहाँ पर हमने फाइंड किया, देख सकते हैं 38/3 आता है, तो ऑप्शन ए होगा सही ऑप्शन इनका। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कह रहा है कि अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 sin x प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर व्हाट। तो मान फाइंड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन है वो आता है 1 π/4 आता है, जो ऑप्शन ए में है 1 π/4 है। सॉरी, इनका मान जो होता है π/4 होता है और 5 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए π/4। देखिए ये ट्रिक के रूप में भी सभी स्टूडेंट को हमने बताया था कि देखिए इस प्रकार का जब सवाल रहेंगे तो इनका मान आपको π/4 आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए समुच एन में नेचुरल नंबर है और रिलेशन इस प्रकार से है, यानी दो को एलिमेंट लेते हैं जिसमें ए का जो मान होता है बी के मान से क्या होता है 2 कम होता है, और कह रहा है कि बी का मान 6 से अधिक होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन बी में है और यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए हो गया, आंसर हो गया 6/8 बिलोंग्स टू आर। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 अपर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 ई पावर x/2 डी एक्स। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है तो मान निकला 2 × e−1, तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा ए 2 × e−1। अब ऑब्जेक्टिव नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कर्व दिया है y=2x²+3sin(x) के x=0 पर अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ पर देखिए मान जो हमने निकाला तो −1/3 आता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 की। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि i · j×vector k+j · ·i·j·k+vector 4 ऑप्शन ए में 1 बी में −1 सी में 2 डी में 3। तो इनका मान जो आता है आपको 1 आता है और ऑप्शन ए इनका सही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी जो है AP में है, तो इसका मान क्या होगा। तो ट्रिक के रूप में भी स्टूडेंट को लिखाए थे, इनसे जो होते हैं सवाल इनका मान क्या होता है 0 होता है। 10 का सही ऑप्शन आपको ए, आंसर हो गया 0। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि vector j × vector j, इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 0 vector, यानी 2 सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 यहाँ पर है कि
मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। देखिए वर्ग आव्यूह के लिए रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है, तो ए बराबर होगा एम बराबर एन। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए बट बी बराबर पी बी बट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा पी ए बराबर पी बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, इंटेग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx बराबर व्हाट, तो इनका जो मान होगा आपको वो होगा ऑप्शन ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस के, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है तो 14 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 15, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स बराबर व्हाट है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा -1/3 कोस एक्स क्यू प्लस के। ऑब्जेक्टिव नंबर 16, यहाँ पर कह रहा है कि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी 1/ डिटर्मिनेंट ए, 16 का सही ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, अवकल समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं 2x²(dx²y/dx²-3×dy/dx+y=0 की कोटि है, तो देखिए इनका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, इनकी कोटि 2 होगी, ऑप्शन ए 17 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया 2। ऑब्जेक्टिव नंबर 18, अब देखिए डी साइन 4x/dx बराबर व्हाट, तो साइन का कोस होता है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 4 cos 4x, यहाँ पर सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, यहाँ पर वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी भी दिया है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है तो 5 आता है, तो ऑप्शन डी और आंसर 5 होगा, 19 का सही ऑप्शन आपको डी, आंसर 5। ऑब्जेक्टिव नंबर 20 है कि अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 tan²x dx, तो देखिए इनका मान सॉल्यूशन करने के बाद ये 1 - π/4 आता है, तो ऑप्शन ए होगा 1 - π/4, 20 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 21, देखिए स्टार संक्रिया a*b बराबर 3a+4b-2 से परिभाषित हो तो 4b है, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 30, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 22, कह रहा है कि y अक्ष की दिक कोजियाएँ हैं, तो y अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है, तो y का मान होगा रेस्ट x, z के मान 0 होंगे, ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव नंबर 22, कह रहा है कि इंटेग्रल ऑफ dx/sin²x/cos²x बराबर व्हाट, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा tan x - cot x + k, यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 24, यहाँ पर है कि सदिश 7i - 2j+k का मापांक है, तो इनका मान आता है √54, इनका वर्गमूल होगा 3√6, 24 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया 3√6। ऑब्जेक्टिव नंबर 25 है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ab - ba होगा, ये होगा विषम सममित आव्यूह, 25 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर होगा विषम सममित आव्यूह। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, अपर लिमिट √3 लोअर लिमिट 1 dx/1+x², तो देखिए इनका मान जो होता है आपको 15 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं π/12, ऑप्शन ए इनका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा π/12। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 है कि dsec(x)/dx = what, इनका देखिए sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x * tan x, ऑप्शन बी सही है sec x * tan x। ऑब्जेक्टिव नंबर 28, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j, तो देखिए वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j का मान होता है वेक्टर k, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव नंबर 29, कह रहा है कि बिंदु 1, 0, 2 की पोजीशन वेक्टर है, तो वो होगा देखिए जे का जो है कंपोनेंट 0 है, तो जे नहीं रहेगा गुम रहेगा, ऑप्शन डी होगा वेक्टर i + 2k वेक्टर,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं कौर है कि डी लॉग कोसेक एक्स डी लॉग कोस ई टू द पावर एक्स बटे डी एक्स। तो देखिए इनका मान सॉल्यूशन करने के पश्चात इतना आता है, सॉल्यूशन देख सकते हैं, इनका सही राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी आंसर होगा माइनस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स। अब ऑब्जेक्टिव नंबर ये जो 31 देख सकते हैं कि डी ई टू द पावर कोस एक्स बटे डी एक्स बराबर व्हाट। तो देखिए ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स से होता है डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर क्या होगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कोस एक्स। तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा बी माइनस साइन एक्स ई टू द पावर कोस एक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 32 है कि टेन इनवर्स रूट ओवर 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट ओवर 3 का मान होगा। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा माइनस फाइव बाई टू, यहाँ पर हमने मान निकाला है। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 कड़े किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1, 3, 5 हैं तो रेखा की डायरेक्शन कोसाइन होगी। तो देखिए 5 25 3 3 9 25 9 34 1 35, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा 1/√35 3/√35 5/√35। ऑब्जेक्टिव नंबर 34 इंटेग्रल ऑफ डी एक्स, तो देखिए डी एक्स, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा एक्स प्लस के। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 35, यहाँ पर पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान 0 है, पी ए बट बी, तो देखिए पी ए बट बी है तो इनका मान क्या होगा, इनका मान 1/2 आता है, यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉरी ये दूसरे सवाल का 1/2 आया है, इनका मान इन्फिनाइट आता है, परिभाषित नहीं है। तो 35 का सही ऑप्शन आपको होगा डी परिभाषित नहीं है। ऑब्जेक्टिव नंबर 36 यहाँ पर देख सकते हैं यदि डिटर्मिनेंट एक्स टू 18x 6 2 18 6, तो एक्स का मान होगा तो ये ऑप्शन बी में जो है प्लस माइनस 6 इनके बराबर होगा। तो 36 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी आंसर हो गया प्लस माइनस 6। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 37 की। तो 37 में यहाँ पर वेक्टर ए देख रहे हैं, वेक्टर ए बराबर है 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, वेक्टर b बराबर है 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। तो यहाँ पर है कि मोटलस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इनका मान आता है रूट ओवर 507, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इनका सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर 38, यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट वाई बराबर एक्स प्लस 1 वाई और कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर किस बिंदु पर, बिंदु मांग रहा है पॉइंट मांग रहा है, तो सोल्व करने के बाद पॉइंट जो आपको आएगा 1 2 आता है। तो यहाँ इस 38 का सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा 1 2। ऑब्जेक्टिव नंबर 39 यहाँ पर है कि जेड एक्स जेड बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान होगा। देखिए आपको न्यूनतम मान कह रहा है तो 9 भी मान आता है, 10 भी मान आता है, इन सोल्व करेंगे तो 7 भी आता है, तो 7 सबसे देखिए कम है तो 7 इनका न्यूनतम मान होगा, ये 0 नहीं आता है क्योंकि मूल बिंदु को टच है, इनका जो शेडेड रीजन है नहीं करता है। उसके बाद तो 39 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी आंसर हो गया 7। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 40 तो यहाँ पर कह रहा है कि सारणिक यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का मान 1 आता है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, आंसर हो गया 1। 40 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 41 यहाँ पर पी ए बराबर 6/11 पी बी बराबर 5/11 पी ए यूनियन बी बराबर 7/11 तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट, इनका क्या मान होगा। तो देखिए सॉल्व करने के बाद इनका जो मान आता है वो आता है 4/11 आता है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने मान निकाला है तो 4/11 होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर हम 42 की बात कर लेते हैं तो ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि केवल यदि, इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी ए बी बराबर बी ए बराबर आई आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्राप्ति हो।
ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टू एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणक है, तो समाकलन गुणक 1 बाय एक्स निकल के आता है। यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं, सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 1 बाय एक्स। 43 का सही ऑप्शन आपको ए, आंसर हो गया 1 बाय एक्स। सभी छात्र अपने क्वेश्चन को खोज करके वीडियो को रोक करके मिलान करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सजेशन आपको मिलता रहे। साथ ही रेस्ट सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए वो भी आपको मिले। ऑब्जेक्टिव नंबर 44 कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान बराबर है, तो ऑप्शन ए होगा 5π/6। यहाँ पर सॉल्यूशन है, देख सकते हैं हमने निकाला है, तो 44 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया 5π/6। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 45 की। तो यहाँ पर है कोट टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर व्हाट, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 0, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाय 2, तो कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। 45 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया 0। ऑब्जेक्टिव नंबर 46 यहाँ पर है कि डी कोट इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा -1/1 + x². अब ऑब्जेक्टिव नंबर हम 47 की बात कर लेते हैं। तो इंटेग्रल ऑफ sec स्क्वायर log x बटे x dx बराबर व्हाट, इनका मान आता है निकल के tan log x प्लस k। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं और ये इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर को देख ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 48 यहाँ पर है कि एक मैट्रिक्स a बराबर aij n क्रॉस n एक विषम सममित है। यदि देखिए विषम सममित है तो ए आई जे बराबर होगा -AJI, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव नंबर 49 की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटेग्रल ऑफ sec स्क्वायर 3x + 5 dx, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 1/3 tan 3x + 5 + k। तो देखिए 49 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 50 तो यहाँ पर है कि इंटेग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर व्हाट, इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा log sec एक्स प्लस के। ऑब्जेक्टिव नंबर 51 यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए 2 पावर 9, तो इनका मान आपको निकल के आएगा 512। 51 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया 512। ऑब्जेक्टिव नंबर 52 जेड बराबर 3x + 2y का अधिकतम मान है, तो देखिए इनका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑब्जेक्टिव नंबर 53 यहाँ पर सारणिक देख रहे हैं, सारणिक का मान दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इनका मान क्या होगा, सारणिक दिया है, सारणिक का मान पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे परिस्थिति में इनका मान हमेशा 0 आता है, डायरेक्ट मारिए ऑप्शन ए। अब हम ऑब्जेक्टिव नंबर 54 की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 54 देखिए इंटेग्रल ऑफ x²e^(x³dx), तो इनका मान होगा आपको इसका इंटीग्रेशन e^(x³/3 + k), तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 55 यहाँ पर देख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ sin x + cos x √(sin 2x) / 1 + sin 2x dx बराबर व्हाट है, इनका मान जो आता है निकल के वो आता है x + k, जो आपको ऑप्शन ए में है x + k। तो 55 का सही ऑप्शन आपको हो गया ये, आंसर हो गया x + k। अब ऑब्जेक्टिव नंबर हम 56 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए f(x)-1 है, तो g(x) इतना है, तो gof(x) का मान होगा, तो gof(x) का मान 2x² + 1 आता है। 56 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया 2x² + 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 57 तो देखिए अवकल समीकरण यहाँ पर हाई ये है, कह रहा है समाकलन गुणक है, तो समाकलन गुणक इनका आता है निकल के e^10x, तो 57 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया e^10x। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 58 की। तो यहाँ पर है कि d/dx √10x = what, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ऑप्शन बी
sec स्क्वायर एक्स बटे टू रूट ओवर टेन एक्स। तो 58 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 है, यहाँ पर देख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी एक्स, इनका सही ऑप्शन आपको होगा, ये आंसर होगा ई टू दी पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस के। ऑब्जेक्टिव नंबर 60, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर 3x3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया था आप लोग मिला सकते हैं कि सभी 100 में 100% लड़ा है। जो भी स्टूडेंट हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं सम्राट सर मैथमेटिक्स से, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है उस पर कॉल कीजिए दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर, और आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।